अदानी फाउंडेशन छत्तीसगढ़ के सरगुजा के परसा और आसपास के गांव की महिलाओं का जीवन बदलने में अहम भूमिका निभा रहा है। जो महिलाएं पहले किसी तरह गुजारा किया करती थीं, उन्हें अदानी फाउंडेशन की मदद ने उद्यमी बना डाला है। वो अब लाखों कमा रही हैं। सरगुजा के परसा गांव की मीना बघेल कुछ साल पहले जंगलों से लकड़ी बीनकर किसी तरह गुजारा करती थी, लेकिन अब वो अपने सहयोगियों के साथ वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर लाखों रुपए कमा रही है। ये बदलाव अदानी फाउंडेशन की मदद से आया है। दो हजार तेरह में अदानी फाउंडेशन ने शाकंभरी स्वास्थ्य सहायता समूह बनाया। इस समूह में पहले 12 महिलाएं शामिल हुईं। मीना बघेल और उनकी टीम को वर्मी कंपोस्ट बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। 15 बेड से उन्होंने वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू किया। आज इसके 54 बेड हैं। अदानी समूह की ओर से इन्हें लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। एक ऑर्डर 8,21,000 रुपए का दिया गया और दूसरा ऑर्डर 14 लाख रुपए का दिया गया है। समूह की महिलाएं उत्पादन से लेकर बिक्री और मार्केटिंग सब कुछ संभालती हैं। 4,000 रुपए महीने की आय कहीं नहीं गई है। कंपनी ने हमको ऑर्डर दिया था, जिसमें हम लोग उसको सप्लाई किए तो सब लगा के सर हम लोग का 1.5 लाख हम लोग का फायदा मिला। हम लोग को 4,000 मिलता है। पहले हम कभी सपनों में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारे बच्चे लोगों को हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन चलिए आज यहाँ हमारी कंपनी खुली तो आज हमारे बच्चे को हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा पा रहे हैं। हम तो उनके लिए पूरा व्यवस्था देती है कंपनी। कंपनी आने से सर हमको नुकसान नहीं है, फायदे है रहने के लिए। कहे कि आज हमारे बच्चे पढ़ जा रहे हैं, उनके लिए हमको खर्चा स्कूल का कुछ करना नहीं पड़ रहा है। तो अदानी फाउंडेशन ने मीना जैसी कई महिलाओं के चेहरे की मुस्कान लौटाई है, समाज में उनको सम्मानजनक हैसियत दिलाई है। वर्तमान में महिलाएं जो हैं अलग अलग बिजनेसेस के साथ वो जुड़ी हुई हैं, जो वो खुद भी उस सभी बिजनेस को वो खुद चला भी रही हैं और उनका सही तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन भी कर रही हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने जैसे वर्मी कंपोस्ट सेंटर्स के लिए हम लोगों ने उनको ट्रेनिंग प्रदान की। ट्रेनिंग प्रदान करने के साथ साथ हम लोगों ने एक ढांचागत निर्माण में उनको हम लोगों ने सहयोग प्रदान किया। इसी क्रम में महिलाओं को आज इस सेंटर से 4 से 5 महिलाएं जो हैं इस सेंटर से जुड़ी हुई हैं और अपना आय अर्जन कर रही हैं। अभी बीते कुछ दिनों पहले ही कंपनी की तरफ से इनको 8 लाख रुपए तक का एक वर्मी कंपोस्ट सप्लाई करने का ऑर्डर भी प्रदान किया गया, जिसको ये सभी महिलाओं ने बहुत अच्छे तरीके से सप्लाई भी किया और अपना लाभ भी अर्जित किया। इस तरह की गतिविधियों से महिलाओं को एक माहवार के रूप में उनको आय भी अर्जन हो रहा है और इस तरह से महिलाएं जो है अपने परिवार में आय अर्जन करने के बाद अपने परिवार में सहयोग भी प्रदान कर रही हैं और हर महीने वो एक निश्चित रूप से वो अपना एक आय अर्जन करती चली जा रही हैं। इस आय अर्जन से महिलाएं जो है अपने घर परिवार, अपने आस पड़ोस के लोगों में अपने प्रति एक मान सम्मान भी बढ़ा रही हैं। सरगुजा क्षेत्र में मीना जैसे कई लोग हैं जिनके जीवन में अदानी फाउंडेशन की पहल से सकारात्मक बदलाव आए हैं।